लिंकेज किसे कहा जाता है, LINKAGE लिंकेज। एक क्रोमोसोम पर यानी कि एक ही क्रोमोसोम्स पर, एक क्रोमोसोम्स हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनके 22 पर आपको ऑटोसोम्स होते हैं और 22, 23, 24, 23 एंड 1 जो मतलब होता है क्या, एक्स क्रोमोसोम रह जाता है ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो दो पाए जाते हैं, और इसमें क्या सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि 22 जो मतलब होते हैं 22 पे रहो वो ऑटोसोम्स होते हैं, सिर्फ 1 क्या होता है एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक्स और मेल में वो क्या होता है एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। और जो क्रोमोसोम की, हाँ हम बात तो कर रहे हैं लिंकेज की, एक क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमोसोम यानी कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, और उनमें से हर जो मतलब जो क्रोमोसोम पर, हर क्रोमोसोम पर अलग अलग से एक क्रोमोसोम पर जी वाकई यानी कि एक क्रोमोसोम पर वाकई तमाम जीन्स के एक साथ रहने का रुझान, एक ही क्रोमोसोम के अंदर क्या तमाम जीन्स के एक साथ रहने का रुझान लिंकेज कहलाता है। एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उनके तमाम के एक साथ रहने को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहलाते हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर कई यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर 200 जीन्स पाए जाते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, और दूसरे ये मतलब जो ऑटोसोम से उनके अंदर और कितने ही पाए जाते हैं, तकरीबन 200 से तकरीबन थोड़ा कम पाए जाते हैं हर ऑटोसोम्स के अंदर, सिर्फ जो दूसरे ऑटोसोम्स बल्कि सिर्फ क्रोमोसोम 200 से भी ज़्यादा एक ही क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, और उनके जो अंदर फिर क्या डीएनए पाया जाता है, मतलब जीन्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, और ये लिंकेज जो है क्या है, क्रोमोसोम तमाम जीन्स के एक साथ देने का रुझान को लिंकेज कहलाता है।